स्वागत है फ्रेंड आपका एक नए ब्लॉग वीडियो में। सो फाइनली फ्रेंड आपको पता है मैं इस समय आ गया हूँ गांव, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस समय चल रहा है शादी का सीजन, तो शहर में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। इन्जॉय आप भी करो, गांव आओ, क्योंकि जो लॉकडाउन में काफ़ी शादियाँ पेंडिंग में पड़ी हुई थी, इस सीजन में मतलब दिवाली के सीजन में सभी शादियाँ चल रही हैं। तो मेरे साथ हैं भाई दो से तीन लोग, मतलब सब मेरे भाई हैं। पीछे आप जिनको देख रहे हो ये हैं डॉक्टर पेट्स, इनका भी एक चैनल है जो पेट्स से रिलेटेड है, मतलब एनिमल डॉग से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उनका लिंक दे दूँगा, अगर आप यूट्यूब पर सर्च मारेंगे डॉक्टर पेट्स तो इनका चैनल आ जाएगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर ये कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हैं। YouTube व्यूअर्स, मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र मौर्य, स्वागत है आपका इस चैनल में। ये मेरे छोटे भाई सूरज बॉय कृष्णा का ये चैनल है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अभी हम लोग जो है शादी एक अटेंड करने आए हैं, तो इस शादी में जो है पूरा एंजॉय करने वाले हैं, तो आगे की वीडियो में आपको ये सब पूरा दिखाएंगे। ओके फ्रेंड, मिलते हैं आपसे। तो हमारे साथ एक भाई और आए, उनसे भी हम कुछ पूछना चाहते हैं, अगर कुछ बोलना चाहते हो। फ्रेंड्स, आपका सभी को स्वागत है। अभी आप लोग आज देखेंगे शादी एक हाल में बनाया प्रोग्राम चल रहा है, आप लोग इसके बारे में देखेंगे, आइए हम देखते हैं। तो फाइनली फ्रेंड आज हम जिसमें मतलब जहाँ पे हमारा पूरा प्रोग्राम है गंगा पैलेस में, पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि डेकोरेट की बात करें तो काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया गया है, और पार्किंग वगैरह की बात करें तो गाड़ी आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्क की गई है, हमने अपनी गाड़ी उस तरफ पार्क की हुई है। अभी कुछ ही देर में हम एंट्री करेंगे, एंट्री गेट से एंट्री करेंगे, और आपको पूरा वहाँ पर हम ब्लॉग के माध्यम से पूरा ब्लॉगिंग दिखाने वाले हैं। तो आप बने रहे ब्लॉग वीडियो पे, और ब्लॉग वीडियो में आपको काफ़ी मजा आने वाला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ब्लॉग वीडियो आप पूरा जरूर देखें। तो चलो हम चलते हैं अंदर गेट की तरफ। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये एंट्री गेट है, ये पीछे की एंट्री गेट है, बस इसी एंट्री गेट से हम अंदर एंट्री करने वाले हैं, देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ और अंदर का आपको पूरा लोकेशन दिखाते हैं। हालांकि आशा करता हूं आप काफ़ी इन्जॉय करेंगे ये ब्लॉग वीडियो देखने के बाद। चलो हम चलते हैं अंदर की तरफ। आप देख सकते हैं पहले से उसके अंदर एंट्री कर चुके हैं, और यहाँ पे जो कुछ होने वाला है मैं आपको बस दिखा दे रहा हूँ। उस समय देख सकते हैं कि खाने का पूरा प्रोग्राम चालू है, इस तरफ जहाँ मेरा फिंगर जा रहा है, और उस तरफ जैसे जो दर्जा वगैरह होता है वो सब वहाँ पे हो रहा है उस लोकेशन पे, आप देख सकते हैं। और हम आपको पूरा दिखाते हैं, मेन्यू दिखाते हैं आपको, कैसे यहाँ पे क्या पूरा किया गया है, पूरा प्रोसेस हम आपको इसी वीडियो में ब्लॉग वीडियो में आपको दिखाने वाले। तो आप वीडियो पे बने रहें, हम एक एक करके वन बाय वन आपको सभी पूरा दिखाने वाले हैं। ब्लॉग वीडियो पे आप बने रहें, हालांकि मेरे साथ दो से तीन लोग हैं वो सभी ब्लॉग वीडियो पे रहेंगे। ब्लॉग वीडियो देखिए, इन्जॉय कीजिए। फाइनली फ्रेंड देख सकते हैं स्टार्टिंग मेनू में सबसे पहले पानी पूरी रखा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों हम यहाँ पे सेकंड डिश पे आ गए, अब हम भाई साहब से पूछेंगे क्या है ये, क्या है भाई? आलू का टिकिया, जिसको छोला वगैरह बोलते हैं। तो फ्रेंड ये जो दूसरा डिश है उसमें आलू का टिकिया, जिसको हम छोला बोल सकते हैं, इसके साथ ये दो तीन चटनी मिक्स करके दी जा रही है। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे डिश की तरफ। तो तीसरा डिश आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। भाई ये क्या है, क्या है? सथौड़ा, सथौड़ा। तो ये जो तीसरा डिश है वो बता रहे हैं सथौड़ा है। अभी इसके हम नेक्स्ट वाले डिश पे चलते हैं। और ये क्या भाई, क्या बोले? चाट। तो भाई जो हमारा चौथा डिश है वो चाट है, यहाँ पे देख सकते हैं टमाटर चाट जिसको हम बोलते हैं, ये चौथा डिश वही है। उसके बाद हम पांचवें डिश की तरफ जा रहे हैं, ये पांचवें डिश पे आ गए। ये कौन सा नाम, ये क्या है भाई? वी चौमिन। तो फ्रेंड इसको चौमिन बोलते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, आपने इसका स्वाद चखा ही होगा, जिसको चाइनीज या चौमिन हम बोल सकते हैं। हालांकि इसमें एक दूसरा मटेरियल आता है जिसको मंचूरियन भी बोलते हैं, हो सकता है यहाँ आपको देखने को मिल जाए, बट फिलहाल में अभी हमारे पास चौमिन ही है। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट डिश पे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है भाई ये। तो फ्रेंड ये छेना है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आपने इसका स्वाद चखा भी होगा बचपन में, और अभी भी आप इसका स्वाद चख रहे होंगे, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी बड़े बड़े साइज और काफ़ी बड़ी बड़ी साइज के आप देख भी सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों प्लेट में ऑलरेडी निकाल के रखा गया है, क्योंकि कई बार क्या होता है भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इन लोग को देने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए ऑलरेडी ये निकाल के रखते हैं। स्पून उन्होंने बगल में रख दिया है, एक एक प्लेट उठाते रहिए और स्पून आप डालते रहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं जिसकी बात कर रहा था यहाँ पे, ये क्या है भाई?
तो फ्रेंड मंचूरियन ऑल ओवर इंडिया में मंचूरियन चलने लगा है, तो आपने इसका स्वाद चखा होगा और बहुत ही स्वादिष्ट रहता है, आपको पता होगा बहुत अच्छे से। उसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट डिश पर। नाम बताए भाई? पनीर चूर। तो जो इसके नेक्स्ट का डिश है उसका नाम है पनीर चूर। ऐसे दो मत ऐसे उठा कर डालो। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरह का पनीर चूर आपको देखने को मिलेगा। खाली फ्रेंड ये तो पोहा है सब जानते हैं, बट जो दे रहे हैं उनको पता है कि नहीं, उनसे भी एक बार पूछ लेते हैं क्या है भाई ये चूरा है। चूरा तो भाई चूरा है, लाइक इसको सब पोहा ही बोलते हैं एक हिसाब से देखा जाए। जो चूरा आता है उसका ही बना रहता है, बस बनने के बाद इसका नाम चेंज हो जाता है, इसको सब पोहा बोलते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट डिश पर। तो स्टार्टिंग में जो डिश रखी गई थी लास्ट में भी वही डिश रखी गई है, पानी पूरी। और पानी पूरी ऑल ओवर इंडिया सभी जगह चलता है, वो सब खाते भी सबको बहुत अच्छे से पता होगा, काफ़ी स्वादिष्ट भी रहता है और एनी टाइम ये चलता है। एक हम नए डिश पे आ गए, ये क्या रखा हुआ भाई? ये सब भिंडी करेला है। इसको क्या ऊपर से मतलब ऐसे भूजा गया है केवल कलौजी? तो फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कलौजी टाइप का है ये, यहाँ पे पूरा मेंशन किया हुआ है, आप यहाँ पे इसी तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम इसके नेक्स्ट डिश पर। पे मसाला डोसा है और सांभर है जो कि साउथ का सबसे फेमस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी उसकी बनावट भी चल रही है और आपको बहुत अच्छे से पता होगा किस तरह ये बनता है। जब हम स्टार्टिंग में एंट्री करते हैं उस समय कुछ ब्रेकफास्ट के तौर पे दिया जाता है। ब्रेकफास्ट के तौर पे जो जो यहाँ पे चीज़ें रखी हुई थी सब मैंने आपको दिखा दिया है। अब इसके आगे जो प्रोसेस होगा मेरे हिसाब से लंच वगैरह रहेगा। वीडियो पे आप बने रहे, वो सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो पे ब्लॉग वीडियो पे आपको मैं दिखा दूंगा। तो अभी हम चलते हैं, इन सबका स्वाद चखते हैं क्योंकि दोस्तों शादी में आया तो सिंपल सी बात है, ये सब खाना आम बात है। तो आप वीडियो पे बने रहे, ब्लॉग वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो फ्रेंड ये आप जो पीछे देख रहे हैं पान स्टॉल है, मतलब पान एंड हुक्का बार। और इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देख सकते हैं आर्यन फूड स्टॉल एंड डेकोरेट है। तो फाइनली फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं दूल्हे की एंट्री हो चुकी है। जैसे एंट्री होती है उसके बाद आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो द्वार पूजा होता है तो द्वार पूजा यहाँ पे होगा, दूल्हे को बैठाया जाएगा। उसके बाद ये अंदर स्टेट की तरफ जाएंगे। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट का प्रोसेस रहेगा वो वर्गमाला का प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बहुत अच्छे से पता होगा जो द्वार पूजा किस तरह किया जाता है। तो सब कुछ तैयार है दोस्तों, बस अब द्वार पूजा शुरू ही होने वाला है। पीछे देख सकते दोस्तों भीड़ वगैरह काफ़ी है, मतलब मोस्टली बराती आ चुके हैं, घराती भी इकट्ठे हो चुके हैं। बस इंजॉय कीजिए, ब्लॉग वीडियो आप देखते रहें और कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर बताएं। तो फाइनली फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं दूल्हे के बाद अब दुल्हन की एंट्री हो चुकी है। तो जहाँ पे हम गए थे देख सकते हैं ये दुल्हन की एंट्री हो रही है। देखते रहिए आप ब्लॉग वीडियो पूरा ही देखते रहिए। ये देख सकते हैं मैंने फ्रंट कैमरे का यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह दुल्हन की एंट्री हो रही है। वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें, हालांकि ब्लॉग वीडियो में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो कुछ इस तरह की थी ब्लॉगिंग पूरी, देख सकते हैं ये दुल्हन है। हालांकि दूल्हे राजा मैं आपको पहले ही दिखा दिया हूँ, बट कोशिश करूँगा एक बार जो वर्गमाला होता है उसका ही प्रोसेस मैं आपको एक बार दिखाऊँ। फाइनली फ्रेंड इस समय रात के बज चुके हैं 11:45 और फाइनली जो भी शादी में जो भी
प्रोग्राम था, ऑलरेडी सब कुछ गर्म हो चुका है, हमने खाना वगैरह सब कुछ खा लिया है। वह आप पीछे की बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि मतलब खाली हो चुका है, जैसे हम बोलते हैं कि पूरी पब्लिक जाती है, वैसे मतलब पूरी ऑलमोस्ट सभी जा चुके हैं। बस 10 से 15 मिनट में हम यहाँ से निकलने ही वाले हैं। एक हमारा लास्ट प्रोसेस बचा हुआ था जो आइसक्रीम का था, बस आइसक्रीम खा के हम निकलने ही वाले हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप काफ़ी इन्जॉय किए होंगे। तो दोस्तों, ये सीज़न एक्चुअली बोला जाए तो शादी का सीज़न ही है नवंबर में, और इसमें भी मैं गांव आया हुआ हूँ। एक हिसाब से आपको बता दूँ तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा इस शादी में, और आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मेरे हिसाब से ब्लॉग वीडियो का मुझे अंत कर देना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। इसी तरह की ब्लॉग वीडियो पाने के लिए आप सूरत बॉय के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।